أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Welcome to the class number 3 of How to Grab International Projects from the platform of freelancing and social media. I hope that you people are doing good. आज थोड़ा सा जनरेटिव एआई के हवाले से भी हम बात करेंगे जिसमें हम स्पेसिफिकली जो बात करेंगे वो बात करेंगे चैट जीपीटी पे भी और हम अपवर्क पे बात करेंगे, प्रपोजल्स पे बात करेंगे, उन टेक्निक्स पे बात करेंगे कि जिस पे रहते हुए हाउ यू पीपल कैन एक्चुअली मेक द मोस्ट आउट ऑफ अपवर्क। अपवर्क पे रहते हुए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आती है ना क्लास, वो ये है कि मैं अपने पास खोल लेता हूँ पेंट। मैं थोड़ा सा फाइवर और अपवर्क में कंपैरिजन भी आपको समझा देता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें समझना थोड़ा सा और आसान हो जाए। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज फाइवर एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज अपवर्क। सही, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ क्योंकि फाइवर पे तो आप लोगों ने ऑब्वियसली काम किया होगा। अच्छा, कुछ ऐसे निखट्टू लोग भी हैं जिन्होंने काम नहीं किया, जिनको देख के थोड़ा गुस्सा आता है मुझे, बट क्या करें, सबको साथ लेके चलना है तो उनको भी साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये बेसिकली हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, फाइवर की। सही क्लास, फाइवर फाइवर राइट, और यहाँ पर हम बात करते हैं अपवर्क की। अपवर्क, मेरा थोड़ा कंप्यूटर राइटिंग जो है ना थोड़ी सी इमेच्योर है। सही, ये हो गई फाइवर क्लास, ये हो गया अपवर्क। अच्छा, फाइवर में हमने क्या देखा था, फाइवर में हमने ये देखा था कि हम बेसिकली क्या करेंगे अपवर्क पे, फाइवर पे, कि हम बेसिकली फाइवर पे रहते हुए हम क्या करते हैं, फाइवर पे रहते हुए हम जो है गिग्स बनाते हैं। अच्छा, गिग्स क्या होता है, गिग्स आपका पोर्टफोलियो होता है जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम समझाया था। अच्छा, जब हम अपवर्क की बात करते हैं ना, अपवर्क में क्या होता है कि क्लाइंट की तरफ से आपके पास डिस्क्रिप्शन गिवन होती है जिस पे रहते हुए आप लोग क्या करते हो, आप अपना प्रपोजल देते हो क्लाइंट को। सही है, यानी फाइवर पे क्या होता है कि आपकी गिग जितनी मैच्योर होती है उस हिसाब से क्या होता है, फाइवर पे आपके पास कुछ मामला इस तरह से चलता है कि फाइवर पे आपके पास गिग्स बनते हैं और उस पे क्या होता है कि उस पे आपके पास जो बेसिकली जिस तरह से गिग रैंक होती है, अच्छा रैंक कैसे होती है लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था। अपवर्क पे क्या होता है कि अपवर्क पे जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं और उस पे रहते हुए आप लोग अपने प्रपोजल्स बनाते हैं। अच्छा, मैं आज के दिन अपवर्क के साथ आपको freelancer.com को भी एक्सप्लोर करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी रोना धोना कोई नहीं होगा, सिर्फ फोकस होगा अंडरस्टैंडिंग की तरफ कि जिस पे रहते हुए आप लोग चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करोगे। अच्छा देखो यार, एक दो कड़वी हकीकत भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसी एक कड़वी हकीकत के जो शायद आपके लिए सुनने में अच्छी ना हो बट वो एक हकीकत है जिसको हम झुटला भी नहीं सकते। क्लास, तो फाइवर और अपवर्क में आई होप के द डिफरेंस इज क्लियर टू यू पीपल। अच्छा, जब मैं अपवर्क की बात करता हूँ तो अपवर्क जैसा ही आपके पास फ्रीलांस भी होता है। सही है, अच्छा जो फ्रीलांस है ना, फ्रीलांस बेसिकली आपके पास, आप आई होप कि आपको समझ में आ गया मैंने फ्रीलांस लिखा है। सही है, मेरी हाथ से राइटिंग थोड़ी अच्छी है बट मैं क्योंकि कीबोर्ड से लिख रहा हूँ और माउस से लिख रहा हूँ, टच पैड से लिख रहा हूँ ऊपर से, तो जिसकी वजह से कुछ ऐसा शो हो रहा है। नेवरदलेस क्लास, जो अपवर्क और फ्रीलांसर है ना वो कंपैरेटिवली कुछ सिमिलर है, ठीक है। वो कैसे सिमिलर है उस पर हम अभी बात करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा चैट जीपीटी को आज हम एक्सप्लोर करेंगे और उस पर रहते हुए बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जा सकती है, हम इंशाल्लाह उसको भी देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। राइट क्लास, सो आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर। आई नो मैं टाइप कर सकता हूँ बट थोड़ा सा चीज़ों को फंकी भी तो दिखाना है,
वरना हर चीज स्ट्रेट स्ट्रेट रहेगी तो फिर मजा नहीं आता। चीजें अगर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए ना तो वो थोड़ा सा, आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। चलिए जी क्लास आगे बढ़ते हैं एंड हम आते हैं अपवर्क पे। सही है, हम आते हैं अपवर्क पे। अपवर्क पे हम आ चुके हैं। अच्छा अपवर्क पे क्या होता है क्लास, कि देर आर सो मेनी सर्विसेज अवेलेबल, यू कैन सी ओवर हेयर। अपवर्क पे मैं टैलेंट भी सर्च कर सकता हूँ। सही है, अपवर्क पे मैं प्रोजेक्ट्स भी सर्च कर सकता हूँ, अपवर्क पे मैं जॉब्स भी सर्च कर सकता हूँ। ठीक है क्लास, तो मैं अभी जॉब्स पे आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्राफिक डिजाइन। अच्छा वो सवाल आपका कि सर अपवर्क पे टाइम गुजार दिया बट अभी तक मुझे जो है प्रोजेक्ट नहीं मिला। सही है, तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हम क्या करें वो हमें आप आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा ये तो $5, चलो ये सारे देखो। क्रिएशन ऑन PDF इन द हेल्थ केयर सेक्टर कंप्लीट विद इलुस्ट्रेशन एंड डेमोस्ट्रेटिव ग्राफिक्स। ठीक है क्लास, ये बेसिकली मेरे पास एक जॉब डिस्क्रिप्शन है। अच्छा ये किसके लिए, ग्राफिक डिजाइनर के लिए। इसका जो बजट है वो $350 है, $350 लगभग तकरीबन कुछ 1 लाख रुपए से ऊपर बन जाता है। ठीक है, अच्छा ये काम ऐसा है कि इसको क्या बनाना है, PDF बनाना है ऑन हेल्थ केयर सेक्टर कंप्लीट विद इलुस्ट्रेशन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव ग्राफिक्स। मतलब उसको डेमोन्स्ट्रेशन ग्राफिक्स में चाहिए और इलुस्ट्रेशन चाहिए कि वो चीजें वाजह तौर पे समझी जा सके। ठीक है, तो दिस इज एग्जैक्टली वॉट ही वॉन्ट्स। अच्छा अगर मैं दोबारा दूसरे जॉब पे आता हूँ तो ये $25 से $40 पर आवर पे करने के लिए तैयार है। यानी $40 का मतलब क्लास सिंपली ये हो गया कि आपने जो है $40 के मुताबिक कितना कमा लिया, तकरीबन आपका 11,000 रुपये पर आवर, 11,000 रुपये पर आवर $40 के हिसाब से। ये क्या चाहता है भाई, सीकिंग ग्राफिक आर्टिस्ट टू क्राफ्ट क्लिकेबल थंबनेल। ठीक है भाई, थंबनेल बना रहे ना, चाह रहे अच्छे थंबनेल जो इस पे क्लिक्स आए, तो $25 से $40 देने के लिए तैयार है। अच्छा आप बोलोगे सर ये तो बताएं कि ये इतने सारे पैसे देने के लिए तो तैयार है बट ये हमें पैसे देगा क्यों। ये आप बता रहे हो कि सर $40 पर आर ये देने के लिए तैयार है, ये $7,500 देने के लिए तैयार है, ये हमें प्रोजेक्ट क्यों देंगे। तो भाई आपको प्रोजेक्ट दो वजह से देंगे। एक वजह तो आपके इसलिए होगी कि आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा प्रोफाइल होगा अपवर्क का। फिर आप बोलोगे सर मेरे पास तो अच्छा प्रोफाइल है ही नहीं, तो मैं तो बिगनर हूं तो मुझे ये प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा। अच्छा मैं ये ग्राफिक डिजाइनिंग का लिख रहा हूं, आप ऑब्वियसली अपनी स्किल सेट के मुताबिक अपनी नीच के मुताबिक लिखोगे। सही है, तो देखिए आपको अपवर्क की पहले प्रोफाइल बनाने की जरूरत है। मैंने जब लास्ट टाइम आपको फाइवर सिखा रहा था तो उस टाइम मैंने आपको एक बात कही थी, वो बात मैंने आपसे यही कही थी कि फाइवर पे जब आपके पास प्रोजेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं तो फाइवर पे आफ्टर सम एक्सटेंड आपके पास जो कंटिन्यूस क्लाइंट हो जाते हैं आप उनको अपवर्क पे लेकर आ जाए, आप उनको इनविटेशन दें अपवर्क पे आके, वो आपको पेमेंट स्टार्ट करेंगे और वो आपके पास जो फाइवर पे देने के लिए तैयार था ना वो अपवर्क पे भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपवर्क पे भी उसके पास उतनी सिक्योरिटी है जितनी फाइवर पे है। दूसरा देखो अपवर्क का जो एल्गोरिथम है ना, अपवर्क का एल्गोरिथम ये कहता है कि भाई मेरे मुझे कचरा फ्रीलांसर नहीं चाहिए, अपवर्क ये कहता है। आप बोलोगे सर तो क्या वो कचरा हम तो नहीं है, तो भाई कचरा बिल्कुल आप लोग नहीं हो, बिकॉज यू पीपल आर द वन इंशाल्लाह हु आर गोइंग टू बी एक्सट्रीम सक्सेसफुल इन द इंडस्ट्री ऑफ फ्रीलांसिंग। बट इसके लिए कुछ समझ बूझ की होने की जरूरत है, वो समझ बूझ क्या है वो मैं आप लोगों को अभी बताने के लिए जा रहा हूँ। देखिए अपवर्क पे आपको कनेक्ट खरीदने पड़ते हैं। सही है, आप प्रोजेक्ट के लिए मतलब मिनिमम 6 कनेक्ट रखते हैं, मैक्सिमम 10 कनेक्ट रखते हैं और अब 16-18 तक जाता है कनेक्ट। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतने ज़्यादा कनेक्ट लगते हैं, मैक्सिमम कनेक्ट 16 to 18 जा रहे होते हैं। ठीक है, और मिनिमम कनेक्ट 4 to 6 जा रहे होते हैं डिपेंडिंग के प्रोजेक्ट। अब अगर लेट सपोज मैं अगर इस प्रोजेक्ट पे पिच करता हूँ जो कि $5 का प्रोजेक्ट है, तो इस पे मेरे 16 कनेक्ट नहीं लगेंगे, क्योंकि एक कनेक्ट जो है ना, मैं अगर वॉट इज द
कॉस्ट ऑफ कनेक्ट्स एंड अपवर्क। इस देखो $0.15 का कनेक्ट है, अगर मैं 10 कनेक्ट भी लेता हूं तो ये $1.50 का कनेक्ट हो गया, सही है। तो ये $5 का प्रोजेक्ट के लिए कभी भी ये मतलब 4 या मैक्सिमम 6 कनेक्ट्स लेगा। शुरू में कनेक्ट फ्री मिलते हैं बट वो शुरू के 2 दिन में ही खत्म हो जाते हैं भाई, तो कनेक्ट्स लेने जरूरी होते हैं अपवर्क पे अगर आपको सक्सेसफुल लेना है। अच्छा देखो, इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। एक वक्त था जब अपवर्क कनेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देता था, उस वक्त अपवर्क की मार्केट इतनी ज़्यादा जो है पेनिट्रेट नहीं हुई थी, इतनी ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं थी। आज अपवर्क की मार्केट जब इतने ज़्यादा फ्रीलांसर ऑलरेडी आ चुके हैं तो अपवर्क कहता है कि अब मुझे किसी का कोई गर्ज नहीं है, मुझे अब चीज़ें अपनी फ्री में देने की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसे में बेचूंगा, जो खरीदेगा उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अपवर्क ये कहता है जो मेरे कनेक्ट्स खरीदेगा अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी, ठीक है। और देखो अगर अपवर्क पे आप लोग व्हाट इज कनेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन भाई। कनेक्ट्स होते हैं लेट सपोज जैसे पैसा है ना, पैसा हार्ड कैश, मैं गया 100 रुपए लेके, मैंने बोला मुझे जो है वो पिशावरी आइसक्रीम दे दो, तो उसने मुझे 100 रुपए में पिशावरी आइसक्रीम दे दी, सही है, क्योंकि 100 रुपए में पिशावरी आइसक्रीम आएगी। अब अगर मैं गया 100 रुपए में, मैंने बोला यार मुझे दे दो स्ट्रॉबेरी चीज केक आइसक्रीम, ठीक है, विथ एलमंड की टॉपिंग एंड उसके ऊपर थोड़ा सा हनी डाल दो और थोड़ा बहुत चॉकलेट की कैडबरी चॉकलेट की टॉपिंग कर दो और ये लो 100 रुपए। तो बोलेगा निकल भाई, पिशावरी आइसक्रीम दे सकता हूँ, ये तुम्हारी जो ख्वाहिशात है ना वो 100 रुपए में पूरी नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, उसके लिए आप क्या करोगे कि आप जो है सिंपली एक पर्टिकुलर अमाउंट दोगे, ठीक है, आप 150 रुपये दोगे। तो ये बेसिकली इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो आपके पास जॉब्स है ना, इस पे बेसिकली आप बिड लगाते हो। जैसे लेट सपोज अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई घर नीलाम हो रहा होता है तो उस पे बिडिंग होती है, सही है। अच्छा बिडिंग क्या होती है, बिडिंग बेसिकली कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, सही है, उस पे आप अपना अमाउंट लगाते हो। अच्छा जो कनेक्ट्स लगाना है ना, इट्स नॉट बिडिंग, कनेक्ट्स लगाना बिडिंग नहीं है। आप बिडिंग कर सको उसके लिए आप कनेक्ट्स लगाते हो, सही है। तो कनेक्ट्स के बेस पे जो भी आपकी जॉब की प्राइसिंग है ना, उस पे आपके आप क्या क्लाइंट को ऑफर कर सकते हो वो आपको ऑफर करना है, उसके लिए कनेक्ट्स के बेस पे वो आप बिट परचेज करते हो। कनेक्ट से बिट नहीं की जाती, कनेक्ट से आपके पास वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जिसके मुताबिक आप बिट कर सकते हो। और बिट क्या होता है कि भाई जो भी उस जॉब का अमाउंट होगा उस अमाउंट के बिहाफ में आप अपना क्या प्रपोज अमाउंट करते हो तो वो आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। चलें जी आगे बढ़ते हैं। ओके अच्छा हमारे पास जब अच्छा प्लीज अभी कमेंट्स वगैरह करना रुक जाएं एंड जस्ट फोकस फॉर व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू पीपल। अच्छा जब आप लेट्स सपोज अपवर्क पे अब आप आते हो ना, तो अपवर्क पे जितनी भी आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, अब जैसे लेट्स सपोज ये मेरे पास जॉब डिस्क्रिप्शन है कि भाई $10 तक आर्ली वो पे करने के लिए तैयार है। वो क्या चाह रहा है, डिजाइनर टू क्रिएट इलस्ट्रेशन एंड क्लिप आर्ट, कोई बड़ा मसला नहीं है, बहुत आसानी से हो सकता है। अच्छा तो आपके लिए क्या करना है क्लास कि आप इस चीज को समझो। अब अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ, क्लास प्लीज अभी कमेंट्स करना बंद कर दे वरना मैं कमेंट ब्लॉक कर दूंगा, सही है।
अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से क्रिएशन ऑन पीडीएफ ग्राफिक्स, ठीक है, इसको करता हूँ क्या, सही है, मैंने यहाँ से जो है इसको कॉपी किया, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन को और पढ़ता हूँ तो वी इंटेंड टू क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर फोकस ऑन द नर्सिंग इंडस्ट्री। वी नीड टू क्रिएट वेरियस पीडीएफ टू ऑफर टू द कस्टमर। वी ऑलरेडी हैव सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम विच टू ड्रॉ इंस्पिरेशन टू डेवलप देम ऑल्सो फ्रॉम अ ग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा ये डिस्क्रिप्शन जो है ना आप इस तरह से भी ले सकते हैं, या पहले आपने टाइटल दे दिया, ठीक है। मैं आता हूं क्या, यहाँ पे आता हूं, मैंने लिखा चैट जीपीटी, ठीक है। मैं चैट जीपीटी में गया, क्लास मैंने लॉग इन किया, सही है, लॉग इन विद गूगल किया क्लास, सही है, इसी से मैंने कंटिन्यू कर लिया, कंटिन्यू कर लिया, सही है। ये मुझसे बर्थडे पूछ रहा है, तो 12/26/1991। तो क्लास अगर आप लोग मेरी बर्थडे में मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये मेरी बर्थडे है, दे सकते हो। नेम मस्ट कंटेन ओनली लेटर्स, तो मैं हटा देता हूँ, जब मजाक कर रहा हूँ, कोई गिफ्ट वगैरह नहीं चाहिए। खैर तो ये हम आ चुके हैं चैट जीपीटी में, द मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, मैंने प्रॉम्प्ट दिया एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल कंटेंट राइटर फॉर अपवर्क प्रपोजल, और मैंने इसको जो है प्रॉम्प्ट में वो डिस्क्रिप्शन दे दी कि जो मैंने यहाँ से, मैं इस डिस्क्रिप्शन को भी मेंशन कर देता हूँ, सही है, ताकि जितना डिटेल मैं चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दूंगा उतना जबरदस्त ये मेरे लिए जो है प्रपोजल लिख के देगा। ओके चलिए जी, ये चैट जीपीटी ने लिख के दिया, आई एम एक्साइटेड टू सबमिट पर प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ पीडीएफ फॉर योर ऑनलाइन स्टोर फोकस ऑन द नर्सिंग इंडस्ट्री। देखो ये चीजें सब लिखा हुआ है ना, वी इंटेंड टू क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर फोकस ऑन द इंडस्ट्री। देखो चैट जीपीटी इज डूइंग बेस्ट, सही है, विथ माई एक्सपीरियंस इन कॉन्टेंट क्रिएशन एंड ग्राफिक डिजाइन आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटी टू डिलीवर। अच्छा ये तो देखो, अब इसमें कॉन्टेंट क्रिएशन आ गया है, तो ये अभी मतलब वी द क्लाइंट नीड द एक्सपीरियंस फॉर द ग्राफिक डिजाइन, तो आप कॉन्टेंट क्रिएशन को हटा सकते हैं। एबिलिटी टू डिलीवर हाई क्वालिटी विजुअली अपीलिंग पीडीएफ दैट अलाइन विथ योर पर्सनल ब्रांड। बेस्ड ऑन द अटैच एग्जाम्पल आई अंडरस्टैंड द नीड ऑफ पीडीएफ दैट आर इंफॉर्मेटिव दिस 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 टू ब्रिंग योर विजन टू लाइफ। आई विल इनकॉर्पोरेट इलस्ट्रेटिव एलिमेंट्स एंड डेमोन्स्ट्रेट ग्राफिक्स दैट एनहेंस द ओवरऑल अपील ऑफ द पीडीएफ एंड सो ऑन। आई एम कमिटेड टू द डिलीवरिंग एंड दिस दिस दैट, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई प्रपोजल एंड दैट सेट। अगर आप देखें तो कितना जबरदस्त अब जो चैट जीपीटी ने जो है प्रिसाइज एंड हाई डिफाइन आपके पास प्रपोजल लिख के दे दिया। यही प्रपोजल आपका कवरिंग लेटर होता है कि जिसपे रहते हुए आप जो है क्लाइंट को पिच कर रहे होते हो। सो योर कॉन्टेंट वेन पिचिंग द क्लाइंट और बिडिंग द क्लाइंट हैज टू बी वेरी प्रोफेशनल। फॉर दैट पर्पज आज की दुनिया की जो AI बेस्ड सॉल्यूशन है आपको उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं आपको ये तक बता दूं क्लास कि जब मैं AI बेस्ड सॉल्यूशंस की बात करता हूं तो मैं ये बात आप लोगों को कर रहा होता हूं कि आप लोग AI बेस्ड, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू पीपल कैन एक्चुअली डू,
यू डोंट नो ग्राफिक डिजाइनिंग, यू डोंट नो इलस्ट्रेटर, यू डोंट नो कंटेंट राइटिंग, नो इशू एट ऑल. काम पकड़ो, एआई बेस्ड टूल से काम करो इफ यू हैव द स्मार्टनेस. अगर तो स्मार्टनेस भी नहीं है तो फिर नहीं पकड़ना भाई काम. सो यू नीड टू हैव अ गुड स्मार्टनेस इन टर्म्स टू गेट योरसेल्फ टुवर्ड्स द बेस्ट इन योर लाइफ. तो ये देखिए, अच्छा एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं. सही है, मैं यहाँ पर आया, नीचे आते हैं और इस 10 को मैं कर देता हूँ 50. हाँ बेटा, इज्जत करो असद, बड़ा हूं तो इज्जत करो. बच्चा होता तो मेरी बात कौन सुनता यार. बाकी तो यार मतलब मैं कितना 31 का हूं तो इतना तो बड़ा नहीं हूं यार कि तुम. खैर, जी बिल्कुल, बिट करने के लिए आपको कनेक्ट्स लगाने पड़ते हैं तो जिसके बिहाफ में फिर आप अपना एक बिट कर पाते हो. राइट, आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल. राइट, सो राइट, चलें जी कोई मसला नहीं है, आगे बढ़ते हैं. अच्छा अब देखें, ये एक और है. आई नीड टू डिज़ाइन, ये $35 to $75 पर आर पे करने के लिए तैयार है. मैं क्या किया, मैंने यहाँ पर आया, अब आई नीड टू डिज़ाइन अ पिच डेक फॉर माई स्टार्टअप बिजनेस. ठीक है, ये मैंने किया कॉपी. मैं दोबारा चैट जीपीटी में, मैंने यहाँ पर लिखा आई वॉन्ट एक्ट एज अ प्रोफेशनल प्रपोजल राइटर फॉर अपवर्क. सही है, मैंने ये पेस्ट किया. जो डिस्क्रिप्शन है वो भी उठा लेते हैं. We are looking for a skill, this, that. Copy किया, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, but क्योंकि हमारे पास time भी short है तो ChatGPT इसको क्या कर रहा है. बेटा अहमद रजा, बिट करके दिखाने के लिए मुझे login करना पड़ेगा और मैं अपने profiles को disclose अभी नहीं करना चाह रहा. So that's the thing. बहुत simple है, देखो मैं आपको technique बता रहा हूँ. When you will be implementing things, तो आपके लिए चीज़ें समझना आसान हो जाएगा. अच्छा देखिए, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, we are looking for a skilled designer to create visually strong pitch deck and branded presentation template that tell our company story. You'll translate ideas into compelling slides that resonate with investors and clients. Responsibilities हो जाएगी, डिज़ाइन एंगेजिंग पिच टेक्स दिस दिस दैट. अच्छा ये बनाना है राइट. या 3D इमेज के लिए तो कैनवा प्रो में भी काम होता है, आप उस पर कर सकते हैं. अदरवाइज इलस्ट्रेटर में भी किया जा सकता है. जी अपवर्क पे आप लोग क्लाइंट अकाउंट बना लें अगर आपके पास कोई अच्छी एक्सपर्टीज है, क्योंकि यू नेवर नो, छक्का लग जाता है कभी भी कहीं भी एंड यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. सही है. अच्छा ये देखिए, ये एक और प्रोफेशनल, उसने पूरा प्रपोजल बना के दे दिया. सो अब वो दौर ख़त्म हो गया कि आप जो सर पकड़ के बैठते थे ना कि यार सर पता नहीं मैं किस तरह से जो है प्रपोजल लिख पाऊंगा या लिख पाऊंगी और किस तरीके से चीज़ें चल रही होंगी. सो आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड दैट हाउ यू कैन एक्चुअली मेक द मोस्ट आउट ऑफ अपवर्क. हम अभी थोड़ा सा जाते हैं फ्रीलांसर को भी एक्सप्लोर करते हैं. सही है, मैं आया फ्रीलांसर पे, freelancer.com पे आ गया. राइट,
मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ प्लीज। अभी थोड़ा सा हम फ्रीलांसर को एक्सप्लोर करते हैं 5 मिनट, और फिर अटेंडेंस के लिए जाते हैं, और फिर मैं क्वेश्चंस आप लोगों के ले लेता हूँ, ठीक है? प्लीज फोकस ओवर हियर क्लास, क्योंकि 11:30 तक हमें क्लास का एंड भी करना है। ओके, हायर द बेस्ट फ्रीलांसर फॉर, ऑब्वियसली ये फ्रीलांसर का प्लेटफॉर्म है, ठीक है? हाउ इट वर्क्स, ब्राउज जॉब, मैं आया, मैं ब्राउज जॉब पे गया, सही है भाई, कीवर्ड लिखा मैंने, लेट सपोज यहाँ पर भी मैंने लिख दिया ग्राफिक डिज़ाइन। मैं ग्राफिक डिज़ाइन इसलिए लिख रहा हूँ क्लास, मैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट वगैरह इसलिए नहीं लिख रहा, क्योंकि वो फिर सबकी समझ में नहीं आ रही होगी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी चीज़ है जो सबके समझ में बहुत आसानी से आ जाती है, ठीक है? अच्छा, डिज़ाइन मॉडर्न लोगो एंड पैलेट फॉर प्रॉम्प्टोक्रेकी क्रेसी। अच्छा, मुझे ये ग्राफिक्स की प्लीज टर्म्स नहीं पता, जो ग्राफिक के लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, बट बताने का मकसद ये है कि फ्रीलांसर, अच्छा मैं आप लोगों को ये बात बताऊं क्लास, फ्रीलांसर जो है ना वो इंडियन प्लेटफॉर्म है, और इतना ज़बरदस्त है ना, मेरे दोस्त हैं, ऑब्वियसली मेरे बहुत से दोस्त हैं वो भी सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं, मेरे दोस्त ने freelancer.com से अभी मोस्ट रिसेंट में $7,000 का प्रोजेक्ट उठाया है freelancer.com से। तो अगर आप freelancer.com पे भी आएंगे ना, तो देर आर 811 जॉब्स अवेलेबल सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग की। मैं अगर रिएक्ट डेवलपमेंट लिखता हूँ ना, रिएक्ट डेवलपमेंट, तो रिएक्ट डेवलपमेंट की 381 जॉब्स फ्रीलांसर में मौजूद है। मैं अगर अपवर्ड पे आता हूँ और अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब्स में देखता हूँ तो अगर मैं रिएक्ट पे आता हूँ, रिएक्ट डेवलपमेंट, सही है, ये देखिए सारी जॉब्स अवेलेबल है। आप इनको फिल्टर भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग, भाई आप एंट्री लेवल के हैं, कोई भी नहीं मांग रहा एंट्री लेवल को, इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट, आप आर्ली जॉब चाहते हो, आप फिक्स प्राइस में आर्ली नहीं चाहते, आप फिक्स प्राइस में जाते हो, आप चाहते हो $500 से $1,000 की जॉब मिले, आप चाहते हो कि भाई क्लाइंट की जो हिस्ट्री है वो 1 से 9 जॉब है वो क्या हुआ, एक्सपेरी, सारे फिल्टर्स आप लोग बा आसानी जो है लगा सकते हैं व्हेन यू आर डीलिंग विद द अपवर्क, एज वेल एज द सेम हैपेंस विद द freelancer.com एज वेल, ठीक है क्लास? तो ये freelancer.com है, यहाँ पर भी आप लोग यू पीपल हैव टू बाय द कनेक्ट्स अगेन इन freelancer.com, और उसके मुताबिक फिर आप लोग अपने जो है मतलब लाइक प्रोजेक्ट्स वगैरह पे पिच करते हो। So this is also something which is important for you people to understand when you people are dealing with the Upwork as well as with the freelancer. So what we have understood today class is one thing कि when we are dealing, देखिए आज हमने basically Fiverr को और Upwork को compare करके देख लिया, हमने Upwork को explore करके देख लिया, जितना explore किया, अब जब आप इसको sign up करोगे, मैंने जो आप लोगों को बातें बताई हैं उसके मुताबिक बआसानी आप चीज़ों पे implement करना start कर सकते हैं। मेरा आपसे कहना यह है कि अगर Upwork पे काम करना चाहते हो तो पहले अदर प्लेटफॉर्म से क्लाइंट को Upwork पे लेकर आओ, सही है आपका, या तो फिर दूसरा ऑप्शन है कोई आपका भाई दोस्त यार कोई कज़न, उसको बोलो कि भाई फेक जॉब पोस्ट करें और उस पर आप अप्लाई करो और आपको वो हायर करें, उसके मुताबिक आपको वो पैसे दे, पैसे एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो अपवर्क रखेगा, बाकी आप ही के पास आ जाएंगे, आप उनको पूरे पूरे पैसे रिटर्न कर दें। बट उसके लिए ज़रूरी है कि लोग सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं क्लास, कि लोग गलती ये करते हैं कि अपवर्क पे रहते हुए कि कम्युनिकेट नहीं करते। अच्छा, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे ना और अपवर्क को ज़रा बराबर भी भनक पड़ गई कि ये फेक ऑर्डर है, तो अपवर्क आपकी प्रोफाइल को परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। अच्छा, ये अपवर्क भी करता है और ये फाइवर भी करता है, तो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन बोथ द एरियाज, कि आपको क्या करना है कि आपको बहुत मोहतात होके चलना होता है। देखिए, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है ना क्लास,
तो जिंदगी आप एक ही तरीके से बना सकते हैं कि जिसमें आप लोग थोड़ा बहुत रिस्क लो और फिर साथ में इन्वेस्टमेंट भी करो। इंशाल्लाह जब अगली क्लास में मैं आपको फेसबुक के पर्सपेक्टिव से सिखाऊंगा, तो उस वक्त इंशाल्लाह वो चीजें इतने आपके लिए बेहतर होगा।